नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, PTET फोर्थ लिस्ट यहां पर जारी होगी या फिर नहीं होगी, इसके ऊपर तो दोस्तों कल बात करेंगे, क्योंकि सीटें और खाली यहां पर रहने वाली है। मैंने कल वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि कितनी सीटें खाली हैं, यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना। दोस्तों, अंतिम मौका अब आपके पास है। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके अच्छे खासे नंबर थे, उनसे कम नंबर वालों को कॉलेज मिल गया है लेकिन उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थियों का क्या होगा? अंतिम मौका दोस्तों आपके पास है। अब ये लिस्ट जारी करेंगे या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे या दोबारा से रीचॉइस करवाएंगे या काउंसलिंग कराएंगे, इसकी सूचना तो दोस्तों कल पता चलेगी, कल ये साइट के ऊपर अपलोड कर देंगे। वैसे दोस्तों, मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि अंतिम मौका, क्योंकि कल लास्ट डेट थी फीस जमा कराने की, और मैंने बता भी दिया था कि जिनको जो कॉलेज मिल गई है उसको एडमिशन आप करवा देना, क्योंकि बाद में यदि जो रिक्त सीटें बचेंगी उसके अंदर आपको शामिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा, यदि कोई नई लिस्ट वगैरह निकलेगी तो। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जा रहा है कि सर अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा, जबकि मैंने इसके ऊपर बहुत बार जो है वीडियो में बता भी दिया है, लेकिन आप क्या है कि वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हो और बाद में फिर आप कमेंट करते हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो कोई सी भी हो, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो ज़्यादा मिनट की हम नहीं बनाते हैं, कम मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कॉलेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो उठा दिया है। अपवर्ड मूवमेंट इस साल नहीं हो रहा है, क्योंकि अब की बार कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने PTET और BSTC की एग्ज़ाम करवाई थी, लेकिन BSTC में तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपकी PTET के अंदर 2 साल वाली BEd और 4 साल वाली BA BEd BSc BEd में अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए आप कॉलेज चेंज नहीं करवा सकते हो। और दोस्तों, मैं फिर से आपसे कह देता हूँ, जिनके अच्छे खासे नंबर थे उनसे कम नंबर वालों को तो कॉलेज मिल गया है, लेकिन उनको कॉलेज इसलिए नहीं मिला है कि उन्होंने कम कॉलेज सेलेक्ट किए थे, जबकि मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ कि ये गलती मत करना, लेकिन फिर भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत कम कॉलेज सेलेक्ट किए थे और उनके अच्छे नंबर थे, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि वो उनकी खुद की गलती थी। इसलिए दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको पूरा देखा करें, मैं उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, ताकि आपको और वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया है कि कॉलेज चेंज नहीं हो रहा है, जो भी आपको मिला है वो ही उसके अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और यदि आप BEd नहीं करना चाहते हो तो एडमिशन आप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, कौन सी गलती भारी पड़ने वाली है? देखिए, अब जो नई लिस्ट आएगी, अब ये वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे या फिर दोबारा से रीचॉइस करवाएंगे, जो भी कुछ न्यूज होगी वो तो हम आपको बता देंगे। मान लीजिए कि रीचॉइस होती है, दोबारा से कॉलेज सेलेक्ट किए जाते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, और ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जिनमें सीटें खाली हैं। मेरे हिसाब से तो दोस्तों, आपके कितने भी नंबर हो, जितनी भी सीटें खाली हो, जितनी भी कॉलेज की लिस्ट आए, सारी की सारी कॉलेज आप भर देना, क्योंकि दोस्तों अंतिम चांस आपके पास है। राजस्थान में कहीं पर भी आपको कॉलेज मिले, आपको BEd करनी है हाल में, आपको पता नहीं है राजस्थान के ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो गुजरात जाकर BEd कर रहे हैं, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई UP से BEd की जो डिग्री है वो प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उनको जल्द से जल्द डिग्री कंप्लीट करके टीचर की एग्जाम देना है। लेकिन दोस्तों, आप 100 किलोमीटर दूर है सर हमारा कॉलेज, हम एडमिशन करवाएं नहीं करवाएं, हमारा 150 किलोमीटर दूर है, बस ऐसी कमेंट कर करके ही आप परेशान हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको कॉलेज मिल गया है, कम से कम ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है, उनका तो साल वैसे ही ख़राब है, कम से कम आपको कॉलेज तो मिल गया तो आपको एडमिशन करवाना चाहिए। फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आया था तब भी मैंने यही समझाया था, रीचॉइस का रिजल्ट आया था तब भी मैंने यही समझाया था, और अब भी मैं यही समझा रहा हूँ, यदि रीचॉइस होती है दोबारा तो, और यदि आपको कॉलेज मिल भी जाता है तो आपको एडमिशन हर हाल में करवा लेना है। कल भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि फटाफट से आप फीस जमा करवा दीजिए, क्योंकि PTET की वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर अपडेट भी है। PTET की वेबसाइट पर ये जो येलो कलर के अंदर है वो कल की अपडेट है, और ये रेड कलर की आज की अपडेट है। इसके बारे में मैं वीडियो जो है दोपहर को ही बनाने वाला था, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं अब वीडियो ये बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले रेड कलर वाली न्यूज़ पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो साइट हैं जैसे कि टेलीग्राम वगैरह पर, तो वहाँ पर जो न्यूज़ है वो इस तरीके की फैला रहे हैं कि डेट बढ़ सकती है, लेकिन इन्होंने साफ लिख दिया है कि इस कार्यालय में जो PTET का कार्यालय है, जो आपको जो कॉलेज अलॉट होती है वो इनसे संबंध, देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है कि इस कार्यालय के द्वारा किसी भी कॉलेज को अपने स्तर पर प्रवेश देने हेतु अनुमति आज दिनांक तक प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि प्रवेश की जो डेट है वो सब कुछ आपको टाइम टेबल के माध्यम से बता दी गई थी कि फीस जमा कराने की जो डेट थी वो कितनी थी, 29 तारीख लास्ट डेट थी, तो जो कि वो जा चुकी है। अब जिन्होंने फीस जमा करवा दी है वो तो रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, आज की लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी झूठे प्रचार एवं प्रलोभन पर ध्यान नहीं देवें।
जो भी झूठी खबर होती है उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देवे। जो भी PTT की वेबसाइट होती है, ये मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर ये न्यूज़ आ जाती है, तो आप यहीं पर जो है सारी न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों PTT की वेबसाइट को भी अपने मोबाइल के अंदर आप ओपन करके रखें। मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आप किसी भी चैनल वगैरह पर विश्वास ना करें। हाँ, यदि आप कोई आपको यदि PTT की वेबसाइट पर लेकर जा रहा है और वहाँ पर यदि आपको दिखा रहा है तो आप विश्वास कर सकते हो। और जहाँ तक तो मैं यही कहता हूँ कि आप भी अपने मोबाइल के अंदर PTT की वेबसाइट ओपन कर लें। और दोस्तों यदि कोई YouTube चैनल वाला, चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो, यदि आप किसी और को भी देखते हो तो उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको वो टाइम से टाइम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, रियल न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब चैनल हैं जो व्यूज़ के चक्कर में दिन में न जाने कितनी बार वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे यूट्यूब चैनल से भी आप बचें। जब भी कोई न्यूज हो और तब वो न्यूज अपलोड करे तब तो अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों रियल YouTube चैनल को ही आप सब्सक्राइब करें, बेकार में फालतू की वीडियो देखकर आप परेशान ना होए। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और यहाँ पर जो कल वीडियो बनाई थी मैंने, उसके अंदर भी मैंने बताया, देखिए यदि आपको कॉलेज मिल गया था तो आप एडमिशन करवा दीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, निर्धारित समय सीमा पर आप रिपोर्टिंग करवा देना, नहीं तो आपका जो महाविद्यालय वो निरस्त हो जाएगा। और यदि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और यदि शेष सीटों पर जो रिक्त सीटें हैं उस पर यदि कोई मौका दिया जाता है तो वो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन करवा दिया है। आपको यदि एडमिशन आप नहीं करवाते हैं तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में, जिनको कॉलेज तो मिल गया था लेकिन उन्होंने सोचा कि कॉलेज चेंज करवाएंगे, हम तो एडमिशन नहीं करवाएंगे। और मैंने समझाया भी था बहुत बार, लेकिन देख मानने वाले कहाँ पर है। तो रीचॉइस में यदि उन्होंने सेलेक्ट की भी थी तो भी उनको जो कॉलेज है अलॉट नहीं हुई है, ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी है। आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, तो आप भी उनको रिप्लाई कर देना। लगभग आपको पता है कि यहाँ पर लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 19 जुलाई से हम कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जब से प्रथम काउंसलिंग का रिजल्ट आया है तब से हम बार बार अपडेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, कल जो भी न्यूज़ होगी आपको बताई जाएगी, कितनी सीटें खाली रहेंगी, कौन सी लिस्ट आने वाली है, सब कुछ आपको बताया जाएगा चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।